गाइस, तो अब मेरे पास ये 6 हैं और जिनको मैं 10 बार यूज करूंगी और जो भी मेरे पॉइंट्स होंगे वो आसिफ नोट डाउन करता रहेगा। तो अब मैं लगाने लगी हूँ पहला निशाना। डार्ट बोर्ड दिखाओ आसिफ। डार्ट एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कायनात की दुनिया। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार चैलेंज, और वो क्या है चैलेंज आसिफ बताएगा। सो वो चैलेंज है, हम लोग डार्ट वाला चैलेंज करेंगे। हम लोग डार्ट फेंकेंगे और आप लोग दिखाएंगे कि, और इसमें ऐसे होने वाला है कि आसिफ और मेरा 10-10 हम लोग फेंकेंगे। है तो हमारे पास 6 ही, लेकिन इसको हम 10 बार एक बंदा यूज करेगा और जो सबसे करीब लगेगा उतना पॉइंट्स मिलेगा। पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और फिर जो विनर होगा ऑब्वियसली वो विनर होगा, और विनर देखते हैं आज आसिफ होता है कि मैं होती हूँ। तो इस चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। 6 हैं और जिनको मैं 10 बार यूज करूंगी और जो भी मेरे पॉइंट्स होंगे वो आसिफ नोट डाउन करता रहेगा। तो अब मैं लगाने लगी हूँ पहला निशाना। डार्ट बोर्ड दिखाओ आसिफ। डार्ट बोर्ड की तरफ पहला निशाना लगाने लगी हूँ। तो अच्छा, और आसिफ जो कुछ भी हिलना नहीं चाहिए, बहुत आराम से उधर लेके जाना है, दिखाना है, फिर आराम से इधर लेके आना है, हिलाना नहीं है, ठीक है। अब ये कौन है बे? ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। गाइस, कहां है बाजी का निशान है, यहां पे लग चुका है। ओके, कितने पॉइंट्स हैं? ये है 13। हिलाओ मत। हाँ, 13 पॉइंट्स लिखो मेरे इसमें। ये बीच में रोक भी नहीं लगा, मिस हो गया, तो ये एक पॉइंट गया मेरा। अब मैं थर्ड वाला लगाने लगी हूं, नहीं लगा। क्या साला, खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब क्या होगा, मेरा थर्ड वाला भी नहीं लगा। चलिए, अभी 3 बारियां हैं, उसके बाद और कितनी है, उसके बाद 4 रह गए। ठीक, एक और ट्राई। मैं क्यों इतनी अनाड़ी हूँ, मुझसे ये भी नहीं लगा। तो सिर्फ 2 रहते हैं। अब ये लास्ट ये वाला ट्राई है। प्रेशर बन गया, सिर्फ 1 लगा है और अब मेरे पास 4 बारियां सिर्फ और है। रुको, ओके, अब मेरे पास ये लास्ट 4 रह गए हैं। अगर तो मैंने ये नहीं लगाए तो फिर, और आसिफ ने अगर मेरे 13 पॉइंट को ओवरकम कर दिया तो फिर आसिफ होगा विनर। तो चलो देखते हैं कि मेरा पॉइंट अब लगता है कि नहीं। मैं इस दफा बहुत ज्यादा कोशिश करने वाली हूँ कि मेरा एम ठीक से लगे। ओके, नहीं लगा। चले एक दफा और, मुझे नहीं लग रहा ये गेम क्लियरली मैं जीतने। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मैं बड़ी बुरी ही तरह से हारने वाली, मुझे नहीं आता डार्ट वाला। कितना हुआ? 8 पॉइंट्स। 1 गो। अभी मेरा आखिरी निशान है, इससे पहले एक दफा 8 वाला निशाना लग चुका है, अभी मेरा लास्ट निशाना है। अगर लगता है तो देखते क्या होता है। देखिए,
सो गाइस इस पे लगा है कायमबाजी का 10। तो अभी हम लोग कायमबाजी के पॉइंट्स देखते हैं। गाइस अब बारी आ चुकी है आसिफ की, और आसिफ अब लगाने लगे हैं अपना। उसको भी 10 बारियां मिलेंगी जैसे मुझे मिली थी। मेरा तो कुछ खास लक नहीं चला, देखते हैं आसिफ क्या कमाल करता है। आसिफ तुम रेडी हो? यस। ओके, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। ओए होए होए होए, आसिफ का एक निशाना लग चुका है और आसिफ को मिले 2, लेकिन 2 ही मिले। ओके आसिफ, सेकंड निशाना लगेगा अब आपका। नहीं रुको, जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। नहीं लगा, शिट नहीं लगा। तीसरा नहीं लगा, देख के आराम से लगा। 17, तो ये हो गए हैं आसिफ को 17 मिल चुके हैं। गुड, वेल डन आसिफ। नेक्स्ट ओके, आसिफ तो लगता जीत गया है, लेकिन फिर भी अभी उसकी बारियां पड़ी हैं। 11 देखो, नहीं हुआ। अब आसिफ के कितने? 4 रहते हैं। ओके नहीं लगा है, गिर चुका है। नेक्स्ट नहीं लगा, गिर चुका है। ये भी नहीं लगा, और ये लग चुका है। ये कितने पॉइंट्स हैं? ये है 6। ओके अब हम टोटल करेंगे गाइस। तो क्लियरली अभी हमें टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पॉइंट्स काफी कम हैं आसिफ से 13, 8 और 10, और आसिफ के 17, 11, 6 और 2। तो क्लियरली आसिफ एक बड़े मार्जिन के साथ विनर बनता है, और ये है आसिफ जीत गया है ये कंपटीशन। तो आसिफ क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी जीत पे? सो गाइस मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं एक और चैलेंज जीत गया। लास्ट वाला आप लोगों ने देखा होगा कि आप हार गए थे। मैं हार गया था और कायमबाजी जीत गई, लेकिन वापस से मैं जीत चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट किया करें। ये विनर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में।